नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिलहाल सुलझता दिख रहा है। बिहार एनडीए को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है, चिराग पासवान और पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें देने का फैसला किया है। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकल कर आ रही है, यानी चाचा और भतीजा की पार्टी को कुल मिलाकर 5 सीटें ही दी जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान मानते हैं, क्या पशुपति पारस मानते हैं, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रूपरेखा तैयार कर ली गई है और 5 सीटों के अंदर ही चाचा और भतीजा को मैनेज किया जाएगा। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो हम सेक्युलर को 1 सीट दिया जा सकता है, ये भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट देने की चर्चा है। हालांकि कुशवाहा 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उनमें कुशवाहा को सिर्फ 1 सीट दिया जा सकता है। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका अपना एक एजेंडा है, निषाद आरक्षण की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से उनकी बातचीत चल रही है। अगर बातचीत फाइनल हो जाती है तो मुकेश सहनी को भी 1 सीट का ऑफर भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, मतलब अगर एनडीए के साथ मुकेश सहनी आते हैं तो। जानकारी यह भी है कि जल्द ही इसका ऐलान भी, औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा, चूंकि अब एक बार सभी दलों की सहमति बननी है और अगर इन फॉर्मूले पर सहमति बन गई तो जाहिर सी बात है इसका ऐलान भी जल्द संभव हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइए। दिल्ली से हमारे सहयोगी मानसू मिश्रा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।